इंडिया में स्वागत है आपका। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर विस्तार से। वाराणसी में लंका थाना अंतर्गत सुंदरपुर इलाके से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो आईबी का अधिकारी बनकर बच्चों के छात्र छात्राओं पर रौब जमा रहा था और नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करता था। इसके पास से आईबी के फर्जी आई कार्ड, नेम प्लेट व एयरगन भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए व्यक्ति का नाम कुश है और ये बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। वाराणसी से हमारे संवाददाता प्रहलाद पांडे की ये रिपोर्ट। हो गया है, कमरे में बैठा के छुट्टी करा देते हैं। क्या कारण हुआ ऐसा अधिकारी बनने का है? बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है, परेशान चल रही है। लेकिन ऐसा सुने कि आप नौकरी करते थे और छोड़ दिए थे? छोड़ दिए थे सर। क्या क्या कारण छूट गया था? कब से ये काम कर रहे थे? फरवरी में मैंने कार्ड लिया, कब से कार्ड लिया नहीं, कार्ड उसके पास नहीं था। कैसे ये विचार आ गया तुम्हें? क्या और लोग भी तुम्हारे साथ ऐसे नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग कुछ मीडिया की बातें और कुछ जो चीज़ दिखाई जाती थी करता है, जब नौकरी नहीं मिली बहुत सोचने के बाद टीवी देखती है। सर सब कुछ का मिला जुला मैं किसी चीज़ को नहीं, सबसे बड़ी गलती तो मेरी है कि मैं गलत रास्ते पे गया, सबको मैं दुखी नहीं कर सकता। क्या मामला है सर और ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ? ये एक फर्जी जो है आईबी की आईडी बनवा के और कोड बनवा के बीएचयू और आसपास के कुछ पढ़ने वाले लड़के उनको बहला फुसला के जो है उनसे नौकरी दिलाने का धंधा देके पैसे लेते हैं और इन्हीं भाई लोगों को आईबी के नाम पर ऊंचे जाते हैं और पैसे उसमें काम करते हैं। अच्छा, इसके पहले भी कोई मामला दर्ज है? इसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है, ये पहला मामला है। ऐसा जानकारी मिलती कि ऐसा कार्य कर रहा है, उसे घर पर दबी दी गई तो जहाँ ये रहता है, रहने वाला ये बिहार के समस्तीपुर का है, यहाँ जहाँ रह रहा था वहाँ पर दबी दी गई। तो इसका नाम है जो है आईबी का इंस्पेक्टर का बोर्ड लगा हुआ है, इसके पास बरामद हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और आईबी का आईडी कार्ड उसके पास से बरामद हुआ। पूछताछ में सारी बातें बताया हुआ, ये लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पे पैसे लेता था आईबी। वाराणसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर प्रयागराज से बिहार के लिए दो अलग अलग वाहनों में बैग को वध के लिए ले जाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान एक कंटेनर व एक डीसीएम तेज गति से आती दिखाई दी। पुलिस ने अभियुक्तों को अपनी हिरासत में ले लिया तथा मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई में जुट गई है। वाराणसी से हमारे संवाददाता प्रहलाद पांडे की रिपोर्ट। हाँ सर बताइए, पशु जो पकड़ाए हैं, पशु तस्कर जो पशु तस्कर पकड़ाए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी बताइए। ये कल जो है गोवंश तस्करी के संबंध में जो है चेकिंग अभियान चल रही थी, जिसमें दो गाड़ियां बरामद हुई, जिसमें से एक गाड़ी में 10 राशि गोवंश बरामद हुए और दूसरी गाड़ी में 17 जो है गोवंश बरामद हुए। इसमें एक जो है जो गाड़ी पास कराता है पकड़ा गया, वीरेंद्र कुमार यादव पुत्र राम बहादुर यादव खंडिया प्रयागराज का, आसिफ पुत्र यूसुफ खान और हसीम खान पुत्र अनुरूपल खान, ये पकड़े गए हैं एक गाड़ी से। और दूसरे में कासिम पुत्र शहजाद खान और मोहम्मद इरफान खान पुत्र अकबर निवासी करारी थाना करारी कौसाम्बी का तो एक और या का। कहां से पकड़े गए? ये डाफी टोल बाजार के चौकी के। वाराणसी जिले के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत अमीनी ग्राम सभा में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी से चुनाव प्रचार के दौरान की गई वार्ता। वाराणसी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह से वार्ता करते लोकसभा प्रत्याशी सुरेंद्र राजभर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है सुरेंद्र राजभर, मैं लोकसभा प्रत्याशी वाराणसी और संसदीय क्षेत्र 77 है।
वाराणसी से जी। आप गांव-गांव में आपके कार्यकर्ता भी प्रचार करेंगे सिर्फ आप ही करें? नहीं, हमारे काफ़ी कार्यकर्ता गांव में लगे हुए हैं। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा हमारा है विकास। विकास मुख्य मुद्दा विकास है और शिक्षा है। शिक्षा जब रहेगा तो विकास होगा। शिक्षा के लिए हमें जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिल रहा है, और विकास जब लोगों के पास काम नहीं है तो विकास रुका हुआ है, और अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। शिक्षा और विकास दोनों की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे गरीब समाज का जो देश में जो एक भागीदारी है, देश में 54% क्या 85% उसको जोड़ लीजिए, आज भी पिछड़े गए हैं। उसमें से मात्र 10-20% लोगों का विकास हुआ है, और लोग अपनी संपत्तियों को बेच कर यहाँ तक कि शादी विवाह कर रहे हैं। आज मजबूरी यह है कि बिजली का बिल भी जमा करने के लिए उनको ज़मीन अपना बेचना पड़ रहा है। वो काम करने के लिए जाते हैं शहरों में, गांव में जाते हैं, लेकिन उनको कहीं काम नहीं दिखाई दे रहा है, और उनके सामने कोई ऐसा मोदी जी दिग्गज नेता के सामने आप टिक पाएंगे या अजय राय के सामने आप टिक पाएंगे? चाहे मोदी जी हो चाहे अजय राय जी हो, कोई दिग्गज नहीं होता है। ये चुनाव है बटन का, बटन दब जाएगा छड़ी पर, मालूम हो जाएगी कौन दिग्गज है कौन क्या है। दिग्गज उनके बातों से नहीं होगा, मीडिया में आ रहे हैं जनता में घूम कर दिखाएं, इस बार उनको उनका झंडा कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है, ना उनके साथ जाने के लिए तैयार है। मैं ये बात को दावे के साथ कह रहा हूँ, आप टीवी से बोल रहे हैं, आप गाँव में जाइए, आप गाँव में जाकर देखिए आपकी दशा बिगड़ी हुई है। दशा के साथ साथ टीवी में आपका फोटो भी बिगड़ गया है, उस फोटो को भी बनवा लीजिए। आपका चेहरे से वो नकाब उतर गया है, मोदी जी के चेहरे से नकाब उतर गया है, एकदम नकाब उतर गया है। गंगा माँ ने उनको झूठ बोल कर कहे कि हमको गंगा माँ ने बुलाया है, आज गंगा माँ उनकी विदाई करने की तैयारी कर ली है, और बनारस की जनता बेवकूफ नहीं रह गया है। मोदी जी कोई विकास नहीं किए हैं? मोदी जी जो विकास किए हैं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने लाया और वो विकास नहीं हुआ। मैं कल का वीडियो बनाया हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा टीवी पर, कि वो गंगा माँ के जिसके लिए करोड़ों रुपया इन्होंने खर्चा किया है, वहाँ चट और बोरे से जो है छनाई करके गंगा को सफाई किया जा रहा है। कोई भी ऐसा वहाँ पर फिल्टर नहीं लगाया है जिससे प्योरीफाई करके पानी को गंगा में डाला जा सके। यही सोनभद्र की जो नदियाँ हैं उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसको प्योरीफाई करने के बाद उसको लोग पीते हैं, लेकिन यहाँ जो है इतना करोड़ रुपया खर्चा होने के बाद भी गंगा में गंदा पानी जाता है। अगर गंगा को शुद्ध कहते हैं तो मैं उसी नगवा घाट का जो पानी 80 नदी तक बहता है उसी का 1 लीटर पानी हम मोदी जी को पिला दें, योगी जी को पिला दें, तो पी जाएंगे तो हम मानेंगे कि गंगा को सफाई करने का इनका अभियान है। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। ये सभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। फतेहपुर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बिंदकी कोतवाली थाना क्षेत्र के बाइक चालक 3 सवारी बिना हेलमेट के ही तेज रफ्तार से घर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में ही सामने जा रही बाइक चालक ने अपनी तेज गाड़ी जाने वाली को रोक दिया, जिस पर पीछे से आ रही दूसरी बाइक ने जोरदार ठोकर मार दी। स्वयं चालक दो अन्य साथियों की बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल फतेहपुर में लाया गया। फतेहपुर से हमारे संवाददाता शरण कुमार तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, शरण कुमार तिवारी, फास्ट न्यूज इंडिया, फतेहपुर। आप देख रहे हैं कि मैं समय सदर अस्पताल जनपद फतेहपुर में PMP इंडिया न्यूज राम जी के साथ उपस्थित हूँ, और मेरे समक्ष इस बेड पर आप देख रहे हैं कितनी पीड़ित अवस्था में ये सज्जन दिखाई दे रहे हैं। आइए मैं इनकी परेशानी, इनकी अपनी आपबीती, इनकी जुबानी लेने का काम कर रहा हूँ। श्रीमान जी बताइए, आपको ये जो चोट लगी हुई है कैसे चोट लगी हुई है? आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मोहिया। आपका नाम क्या है? इदे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मोहिया, कोरसम मोहिया। अच्छा, कोरसम मोहिया। हाँ। कौन सा थाना पड़ता है? कल्याणपुर थाना पड़ता है। क्या हुआ? मोटरसाइकिल। आप मोटरसाइकिल में रहे हैं? हाँ। हैं? और दूसरा वाहन कौन सा था? वो अच्छा, दोनों मोटरसाइकिलों में रहे? वो आगे चलता था जी। हम लोग 3 जने राम था। अच्छा अच्छा। तो बैठ गए तो जाकर वो रोक दिया डायरेक्टर, तो गाड़ी। अच्छा, आपकी गाड़ी पीछे थी? हाँ। अच्छा अच्छा, चालक कौन था आपके साथ? आप गाड़ी चला रहे थे। आपका क्या नाम है? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं?
नगुआपुर नगुआपुर बगल पे। अच्छा अच्छा, कौन सा थाना लगता है? बेंदकी कोतवाली लगती है? नहीं, थाना भी लगता है। कोतवाली थाना बेंदकी लगता है आपका? अच्छा अच्छा, तो कैसे चोट लगी आपके? ये यहाँ लग गया है, हाथ में लग गया। चोट कैसे लगी? आप जब गाड़ी आगे जा रही थी तो उस समय आपने देखा नहीं? नहीं, देख रहे थे कि वो जा रही है, जब देखा कि नहीं वो रुक गए तो हमने रोकने की कोशिश किया, गाड़ी ज्यादा नहीं रुकी। आप हेलमेट नहीं लगाए थे? नहीं, हेलमेट नहीं लगाए थे। हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तीन सवारी। और ये बताइए, तीन सवारियां बैठ करके चल रहे थे आप? हाँ, थोड़ा अर्जेंट काम करके बाबू जी जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जिंदगी की जंग आप हारने के कगार से वापस आ रहे हैं। हाँ, और ये बताएं, और चोट कहाँ कहाँ लगी आपको? और कहीं नहीं, हमारे यहाँ भी। अच्छा अच्छा अच्छा, सर में ज्यादा चोट है, आँख में ज्यादा चोट? हाँ, आँख में। अच्छा अच्छा, आपकी कहाँ कहाँ चोट लगी? ये टूट गई, ये टूट गई, ये सब हड्डी। अच्छा, पूरी हड्डियाँ टूट गई? काफी ज्यादा स्पीड पर रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ये बताइए, आपको यहाँ पर कौन लाया, कैसे आया? भाई चार लोग आ गए थे, तो वही नंगू लक्ष्मी माए तो ठाकुर, वही लोग बैठा ला हम लोग दवाई करवाओ। हाँ हाँ, कल्याण कुमार दुनिया। अच्छा अच्छा, दवाई करा के नहीं। अच्छा अच्छा, यहाँ सदर भेजवा दिया? हाँ, हाँ। अच्छा, फिर जब आपका इलाज शुरू हो गया तो उस समय से आपको कैसा लग रहा है? सब ठीक है, जब उन्हें खराब है तो कहाँ बसा, इलाज सही हो रहा है? कोई लापरवाही कोई कोताही तो नहीं की गई? अच्छा, इलाज हुआ है तो उसमें लापरवाही तो नहीं आपको दिखी है? अच्छा अच्छा, और किस तारीख की घटना है? कल 27 की शाम की थी, शनिवार 8 बजे रात। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से जा रहे थे? जा रहे तपनी। अच्छा अच्छा, आप देख रहे हैं, ये रात को यात्रा कर रहे थे इमरजेंसी, और इमरजेंसी के कारण ही ये तीन लोग एक ही बाइक पर सवार थे, जिन्होंने अगली गाड़ी जो कि बाइक ही रही, दोपहिया वाहन, अचानक ब्रेक लग जाने के कारण इनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, और ये स्वयं शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के लिए मजबूर हो गए। और सौभाग्य था इनका जो कि ये अपनी जिंदगी की जंग को जीतने का कार्य किया है, ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। इसी के साथ और ये जो सदर अस्पताल है, इसमें बड़ा ही सुंदर इलाज इनका चल रहा है, इन्हें किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं हो रही है। और मैं चाहूंगा कि आप कौन है, इनके साथ गए आप, इनके लड़के हैं, जरा बताइए आप जब लेकर के आए तो आपको कैसा लगा? हम बाद में आए। अच्छा, आप बाद में आए, क्या नाम है आपका? अच्छा, राजू नाम है आपका। अच्छा, इलाज जब से इनका चालू हो गया तो आराम है कि दिक्कत है? आराम है। अच्छा, आराम है, आप संतुष्ट हैं? ये देख लीजिए, ये सेवा है, और नर सेवा नारायण सेवा। इसी के साथ श्रवण कुमार तिवारी, फास्ट न्यूज इंडिया, फतेहपुर, नमस्कार। वाराणसी में चौईपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पनिहारी गांव सपा के कार्यकर्ता डॉक्टर संजय चौहान और तेज बहादुर यादव वाराणसी के प्रत्याशी थे, इस समय उनको निरस्त कर दिया गया है। डॉक्टर संजय चौहान का भारी हुजूम के साथ स्वागत किया गया। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता सोनू यादव की रिपोर्ट। अच्छी बिचवाम करना चाहिए बोले के तहत बोला तो हूँ। समाजवादी पार्टी से बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पर संजय चौहान, माननीय संजय चौहान जी आ रहे हैं, कुछ ही पलों के बीच आने वाले हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अखिलेश यादव है, सदस्य जिला पंचायत। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदि श्री संजय चौहान जी के, उनके सम्मान में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, उनको सुनना चाहते हैं। और जिस तरह का है गठबंधन आज चुनाव लग रहा है, उनके गठबंधन लड़ाई शुरू की थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू कर दी थी, लोगों को बचाने की लड़ाई शुरू की थी। संजय चौहान बता दिया है, सबूत दिया है कि अखिलेश यादव और भगवान मायावती वाकई में सामाजिक न्याय जो बात करते हैं वो सही है। गरीब प्रत्याशी को नेता के विरुद्ध उस नेता के विपक्ष में खड़ा किया है जिसके पास धन बल, भाव बल और सत्ता का बल,
आप देखिए पूरे शहर आचार संहिता भाजपा वालों पूरे शहर में हो रहे भाजपा का जिक्र किया, ये आचार संहिता और चुनाव आयोग को यह चीज़ नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों से भारतीय जनता पार्टी विकास से बागजोग है, वो सिर्फ आंकड़ा पेश करती है, वो ऐसा विकास दिखा रही है जो सिर्फ और सिर्फ कागज में है। आप देख लीजिए गंगा सफाई के नाम पे 1200 करोड़ रुपया पता नहीं कहाँ गया, गंगा मैया को साफ करने के नाम से लोग खर्च कर। मोदी जी बोलते हैं हमारा गंगा नहीं बुलाया, गंगा जी ने बुलाया है, हमारे यहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये सबको बुलाती है और हमारे यहाँ एक वही गंगा माँ के किनारे दशाश्वमेध घाट भी है, घाट में जल्दी ही आएंगे हम लोग, प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी आएंगे, क्योंकि गरीब जो रोया है नोटबंदी में, जिसका पिता जिसका भाई बहन की शादी चुकी है, जिसके लोग मरे हैं उनकी आत्मा लगेगा। राम मंदिर का मुद्दा उठाए थे, राम मंदिर का मुद्दा तो हर चुनाव में उठता है, राम मंदिर का मुद्दा है वो हर चुनाव में उठता है, हर उनके संकल्प पत्र में रहता है कि राम मंदिर बनेगा, अदालत 370 ए हटेगी और 35 ए को हटाया जाएगा। जब 370 ए राम मंदिर की बात आती है तो ये सुप्रीम कोर्ट में डाल देते हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब जो आदेश देगा वो करेगी। मुद्दा इनका राम मंदिर का हमेशा रहता है, इन्हीं पे चुनाव रहता है, जाति धर्म नाम पे इसी पे चुनाव करते हैं ये भाजपा वाले और इन्हीं की राजनीति रहती है। इसमें 1500 रुपया चला गया बड़े लोगों गरीबों का खाते खुलवाते खुलवाते 1500,000 रुपये आया, न कुछ खाते ही बंद कर दिए, कई लोगों के जो पैसे जमे थे वो भी विरुप हो गए। देखिए रोड बना हुआ है, रोड आप चले जाइए यहाँ से आगे गाँव किस जगह रोड का कोई विकास नहीं है, कहीं कहीं कुछ चीज़ों का विकास हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आ गए, जो उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, वो वहाँ पे एयरक्राफ्ट उतरा और वो विश्व का सबसे कम समय में सबसे बढ़िया एक्सप्रेस वे बनाया गया है, जिसको एक मिसाल के रूप में देखा जाता है। और कुछ जानना चाह रहे हैं? वाराणसी में चौरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे उपस्थित हुए, भारी हुजूम के साथ उनके कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वाराणसी से हमारे संवाददाता सोनू यादव की रिपोर्ट। मतदान की कड़ी में इतने लोग भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई प्रत्याशी का नाम नहीं मिल रहा है, फिर भी लोग पीछे पड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पे इस बार सोचिए ये लोग कह रहे थे कांग्रेस के लोगों ने इतने अच्छे माननीय शिवराज चौहान जी को हराने का काम किया, जिससे वहाँ की जनता अपना ईमान अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल संदेह विकास करने में कोई भी संकोच नहीं है, क्योंकि आदरणी महेंद्र पांडे ने समाज में हमारा ये थे अभी के समाचार। अभी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।